शहीद हो गया वो, लेकिन उसे लिटा के उसके ऊपर खड़े होके उसे इतना मारा, इतना मारा है, इतना तशद्दुद किया है कि वो मार खाते खाते शहीद हो गया। फिर भी जी ठंडा नहीं हुआ। औरतों को घरों में दाखिल होके उनके बालों से पकड़ पकड़ के जमीन पर पटखाते रहे, बच्चियों को गालियां निकालते रहे, औरतों के साथ जो बददखलाकी की, बदतमीजी की, थप्पड़ मारते रहे। भाई घरों में दाखिल होके बच्चियों को थप्पड़ मारने का मकसद क्या है? हमने कौन सी तुम्हारे साथ ज्यादती की है जिसका बदला आप हमसे ले रहे हैं, हमारी औरतों से ले रहे हैं, हमारी बच्चियों से ले रहे हैं? बाबे सच्चे सन, पीड़ा और पकियां और कौन सा दर्द है? एक ही दर्द है, क्योंकि ये आलमी कुफर के साथ खड़े हैं। इनका कोई दीनदार बंदा और हुजूर की इज्जत और नमूद पर पैर देने वाला इनका दुश्मन है। ये उसके दुश्मन है, जो हुजूर की इज्जत और नमूद की बात करे, जो दीन की बात करे, ये उसके दुश्मन है। इसका मतलब यह है कि मुल्क पाकिस्तान में दो गिरोह रह गए ना जी। एक वो लोग जो हुजूर की इज्जत और नमूद पर पैर देने वाले लोग हैं, हुजूर से मुहब्बत करने वाले लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं, चंद हजार लोग जो मुल्क पर काबिज बन के बैठे हुए हैं। एक एक बंदे की तरह 50-50 लाख रुपया और गरीब रोटी को तरस रहा है, जिनके बच्चे पढ़ गए, मास्टर डिग्रियां कर ली, बेचारे फिर रहे हैं फलों की रेड़ियां लगा के, वो अपना गुजारा कर रहे हैं, और ये 50-50 लाख तनख्वाहें लेकर फिर भी खुश नहीं। और ये सारा कर्जा जो बाहर से आता है वो मुल्क पर खर्च नहीं होता, वो पैसे मुल्क के लिए खर्च नहीं होते। कौन नहीं खाती वो सारे के सारे पैसे? ये चंद हजार लोग खाते हैं और पूरे मुल्क को मखरूज करते हैं। इसके अलावा हमारा कसूर क्या है? दीन का आलम बुलंद करना, हुजूर की इज्जत और नामूस का परचम बुलंद करना, ये भी जुर्म है। जो ही अगली को खबर आती है तो फिर मैं इंशाल्लाह पूरी शुरा की तर्जमानी करते हुए आप तक वो पहुंचाता हूं। बहरहाल हम पहले भी हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए हर तरह तैयार थे, अब भी तैयार हैं। पहले तो यहां एजेंसियों के लोग आते थे ना जी, तो लोग लड़के इतराज करते थे, कोई बंदा इतराज कर लो जी ये बंदा एजेंसी का है, ये बंदा एजेंसी का है, ये जनाब एजेंसी का बंदा है, ये फिल्म बना रहा है, ये बयान रिकॉर्ड करता है। भाई अब सारे जितने मुलाजम लाहौर डिवीजन के हो, पूरे मुल्क पाकिस्तान के मुलाजम बुला लो, रिकॉर्ड करो, लिखो ये कौन क्या कह रही है। यहां पूरे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे, बच्चे दूध पीते बच्चे, औरतें, मर्द, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर बंदा ये कह रहा है, लिख लो कि हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने देने के लिए हाजिर हैं। हम हुजूर की खातिर मरना चाहते हैं, हम हुजूर की खातिर मरना चाहते हैं। लिखो, बताओ उनको, पैगाम दे दो, पैगाम दे दो।